दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। इसके लिए मैं आपको नाप बता देती हूँ। इसकी लेंथ 15 है, इसके तीरा 14 इंच, चेस्ट 36, कमर 31, बाजू लंबाई 17, गोलाई 9 और इस पे प्लेट 10 इंच पे पड़ेंगे। इसका बैक नेक है 6 इंच, फ्रंट नेक भी 6 इंच। अगर इस पे बाजू फुल नहीं आए तो हम हाफ बनाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ इसकी सीधा कर दिया पैटली से। फिर हमारी इसकी लेंथ थी 15 इंच और उस पर 3 इंच प्लस करके 2.5 इंच लगभग प्लस करके 17.5 इंच लगा हमने। यहाँ से भी हमने सीधा करके लगा दिया। अब हम तीरे पे निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे, क्योंकि इसका बैक नेक 6 इंच है, हम तीरा 5.5 रखेंगे। 4 इंच पे हम 6.5 रखते हैं तीरा, इसलिए आधा घटा लेते हैं। और जो इसका आर्म होल आएगा वो भी कम आएगा, क्योंकि तीरा कम होता है तो आर्म होल भी थोड़ा कम आता है। 7.5 इंच पे रख लेंगे हम। जो ये चीज है हमारी, ये 7 इंच पे ही आएगी, 7.5 इंच लगभग। एक इंच पीछे बैक कर देंगे, 6.5 और 7.5, दोनों निशान को मिला लेंगे। इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसकी गले की ब्रॉड चौड़ाई देखेंगे 2.5 इंच पे, और इसकी लंबाई है 6 इंच चौड़ाई 2.5 इंच। जो थोड़ा मोटा साइज से हैवी हो तो उनकी चौड़ाई आप 3 इंच भी रख सकते हैं। अगर हम इसमें 3 इंच रखेंगे तो तीरा बहने लगेगा। आधा इंच हम यहाँ से तिरछा लेंगे। इसकी चेस्ट है तुम्हारी 36 इंच, 36 का चौथा भाग 9 होता है। 9 पे हम आधा इंच प्लस करके 9.5 रखेंगे, क्योंकि जो फिटिंग की नाप होती है इंच टेप की, उससे फिट नहीं बैठता है। हम आधा इंच प्लस करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे। उसके बाद हम कमर हमारी 31 इंच है, 7.5 पे रखेंगे और 2 इंच 2.5 इंच लगभग 1.25 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि उस पर प्लेट पड़ेंगे। दोनों निशानों को मिला देंगे यहाँ से। यहाँ से हम गोलाई दे लेंगे। डार्क कर लेंगे। ये हमारी बैक आर्म होल की गोलाई होगी, ये फ्रंट की रखें। ये फ्रंट की गोलाई होगी। ये देख लीजिए, ये हमारे बैक आर्म होल की गोलाई है, ये फ्रंट आर्म होल की गोलाई है। हम इसको पहले बैक आर्म होल की गोलाई काटेंगे, इसी के छाप पे हम दूसरा कपड़ा रख के काटेंगे, तब फ्रंट की काटेंगे।
कपड़े को काट लेंगे इसको। पहले हम बैक आर्म होल की गोलाई काटेंगे, फिर फ्रंट आर्म होल की गोलाई काटेंगे। इस कपड़े को काटने के बाद हम इस पर बैक कपड़ा रख के आर्म होल की गोलाई काट लेंगे। गले की गोलाई दे देंगे। ये हमारी गले की गोलाई होगी, इसको हम ब्लाउज के कपड़े पे ही काटेंगे, वरना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता। ये हमने पीछे वाले कपड़े पीछे भाग निकालने के लिए कपड़ा बिछा दिया है, यहाँ पर से देख लीजिए। ये 1 इंच हमने पीछे वाला कम काट रखा है, आगे फ्रंट वाला 1 इंच ज़्यादा काटना पड़ता है, इस पर प्लेट पड़ती है क्योंकि ये सिकुड़ जाता है। अब हम इसको काट लेंगे। बस इसी की छाप पे हम काट लेंगे पीछे का भाग। इस तरीके से पीछे का भाग काट लिया हमने। इसको हटा लेंगे, ये फ्रंट है, जो ये निशान लगाया था हमने, ये अब ब्लाउज के साथ फ्रंट भाग के साथ ब्लाउज का कटेगा और बैक का थोड़ा बड़ा आता है उससे। अब हम बैक पे भी गले का निशान लगा लेंगे और ये ब्लाउज के कपड़े के साथ ही कटेगा। इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करती हूँ, रियल वीडियो दिखाती हूँ। हमारा बैक नेक भी 6 इंच है, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है, इस पर निशान लगा देंगे और ब्लाउज के कपड़े के साथ ही रख के काटेंगे। अब हम ब्लाउज का कपड़ा बिछाएंगे। हमने कपड़ा बिछा दिया, अब इस पर हम रखेंगे ब्लाउज। बैठा लेंगे। चारों तरफ से और इसको इस पे रख के काट लेंगे। ये गला हम इस पे ऐसे रख के काट लेंगे। अब आर्म होल हम फ्रंट वाला जो हमने पहले गहरा निशान दिया था इस पे काटेंगे।
ब्लाउज फ्रंट वाला कर चुके हैं। अब हम बैक ब्लाउज काटेंगे। ये बैक वाला निशान बैक पे लेकर, ये भी 6 इंच पे है, इसकी गोलाई इस तरीके से काट देंगे। घुमाते हुए हमने काट लिया और हम देखेंगे हमारा कपड़ा कितना बच जाएगा। अगर फुल स्टीन आएगा ठीक है, नहीं तो हाफ स्टीन बनाए। गाइस ये हमने कपड़ा इस तरह तिरछा रख दिया था, ये बाजू आ जा रहे हैं, अब इसको कटिंग करेंगे। बड़ी सावधानी पूर्वक ये बाजू कट गया हमारा, इसी की छाप में दूसरा कट जाएगा। इस तरह हमने दूसरा बाजू इसके ऊपर रख दिया, हम काट लेंगे। आर्महोल की चौड़ाई लगभग 9.5 इंच आनी चाहिए, क्योंकि 36 हमारी ब्रेस्ट है, उस हिसाब से या एक अनुमान होता है। बाजू कट के हमारे ये बाजू की गोलाई लगा देंगे। इन पे हम अस्तर नहीं लगाएंगे, ऐसे ही बनते हैं। यहाँ से 2 इंच सीधा, 2 इंच ऐसे सीधा, 3 इंच लंबाई पे इन दोनों को मिला देंगे। गोलाई आ जाएगी, ये देख सकते हो गाइस, ये गोलाई आ सकती। ये कपड़ा थोड़ा ब्राइट है, इसके निशान अच्छे से नहीं दिख रहा है। 2 इंच ऐसे सीधे गोलाई देते हुए 3 इंच लंबाई में काट लेंगे। हमारे बाजू के पट्टी आ जाएंगी, बाजू के ऊपर पट्टी लगेगी। अब मैं आपको गले की पट्टी बनाना सिखाऊंगी, इसको और पट्टी कहते हैं, इसको हमेशा तिरछा काट इस तरह काटेंगे हम, इससे हम पाइपिंग बनाएंगे गले की। ये हमारी गले की पट्टी बन चुकी है। कुछ पट्टियाँ हम छोटी भी निकाल सकते हैं उनमें से, बचे हुए कपड़ों में से। इस तरह से कपड़ों से हम ऐसे तिरछी पट्टियां निकाल सकते हैं।
हमारी पट्टियाँ बन चुकी हैं। एक एक पट्टी हम इन दोनों में से निकाल ताकि हम एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, उस टाइम कम ना पड़े। इस तरह खींचने बीच से निकालेंगे। हम अपने बटन और कांच की पट्टी बनाएंगे। ये हमारी हुक की पे हुक लगेंगे। ये हमारी हुक वाली पट्टी हो गई। इस पे हम आई बनाएंगे। इसी छोटी होती है, इस पे हम जोड़ लगा लेंगे छोटा। बटन वाली हुक वाली पट्टी एक आई वाली पट्टी हो गई। हम आपको आस्तीन पे आपको कपड़े पे ब्राइट थी अस्तर पे दिखाएंगे। तरह से काटे जाते हैं। सबसे पहले हम 2 इंच ऐसे लेते हैं तिरछे पे, फिर 3 इंच सीधे पे लेते हैं। इन दोनों निशानों को ऐसे शेप पे मिला दिया गोलाई और इसको काट दिया। यहाँ से जितनी भी बाजू की गोलाई है उसको इस तरह मिला दिया। अब हम आपको प्लेट बना सिखाएंगे। 10 इंच पे प्लेट डालेंगे। ढाई इंच का प्लेट तिरछा इस तरह पड़ेगा। कपड़े को घुमाते हुए 1.5 इंच स्लैंटिंग लाइन नीचे को डाउन। यहां से हल्का ऊपर को घुमाते हुए 2 इंच घुमाते हुए 2 इंच। ये हमारी प्लेटें पड़ चुकी हैं। ये हमारी ब्लाउज की कटिंग है। नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग। इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मैं रियल दिखाती हूँ। उसको देख के आप दूसरे ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।